जिन भी पेशेंट्स को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम रहती है उन पेशेंट्स को ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें कंटिन्यूसली वो लेते हैं तो किडनी स्टोन की समस्या उनकी बढ़ सकती है। सबसे पहले मोस्ट कॉमनली जो हमारी किडनी स्टोन होती है वो दो प्रकार की होती हैं, एक होता है कैल्शियम ऑक्सलेट किडनी स्टोन, दूसरा होता है यूरिक एसिड स्टोन। ये दोनों प्रकार की जो स्टोन्स होती हैं वो ज़्यादातर कॉमनली देखने को मिलती हैं पेशेंट्स में, और जब किडनी स्टोन पेशेंट को होता है तो कई सारी प्रॉब्लम्स एक साथ में अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स मरीज को आते हैं और कई दिक्कतें मरीज को खड़ी हो जाती हैं। जब भी किडनी स्टोन की पेशेंट को प्रॉब्लम होगी तो उसे बैक साइड में दर्द होगा और पेशेंट को पेशाब से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे पेशाब में जलन होना या येलो यूरिन आना या फिर कई सारी ऐसे पेशाब करते समय दर्द होना, कमर में दर्द होना, और ये पेन रेफरल पेन भी होता है कई बार। तो ये जो छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं ये यूरिन में जो स्टोन होती है या यूरिन का जो इन्फेक्शन होता है, कई बार पेशेंट को यूरिन की नली में, पेशाब की नली में जो किडनी स्टोन होता है वो फंस जाता है, तो उसके बाद भी पेशेंट्स को कई सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। तो अगर किसी पेशेंट को किडनी स्टोन ज़्यादा बनता है या किसी पेशेंट को ऑलरेडी पहले बन चुका है, या फिर अगर हम कहें कि किडनी स्टोन से हमें बचना है तो ये सारी चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहला स्पाइनस, यानी कि ऐसे पेशेंट जिन जो ज़्यादा पालक का सेवन करते हैं वो थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सलेट की मात्रा ज़्यादा होती है। और अगर हाई लेवल वाले फूड्स अगर हम सेवन करते हैं जिसमें ज़्यादा ऑक्सलेट की मात्रा होती है तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। साथ ही साथ ऐसे फूड्स जैसे पीनट्स वगैरह है, बीट्स है या स्विस चार्ट्स है, तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर ऑक्सलेट की मात्रा ज़्यादा होती है, जिनकी वजह से किडनी स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं या द्वारा से बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देन इसके अलावा जो जिन पेशेंट्स को कॉमनली यूरिक एसिड वाला जिनको स्टोन होता है या उनको बना हुआ है पहले से, तो ऐसी स्थिति में वो लोग क्या नहीं खाएं, जैसे रेड मीट है, रेड मीट के अंदर हाई प्यूरिन होता है, प्यूरिन जो एक ऐसा पदार्थ होता है जो यूरिक एसिड वाली स्टोन को बहुत ज़्यादा फॉर्म करने में मदद करता है, हेल्प करता है। तो अगर किसी पेशेंट को ऐसी प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड की स्टोन उसको बनी है, तो अवॉइड करें ये सारी चीज़ें, हाई प्यूरिन वाले फूड्स जैसे कि रेड मीट है, बियर्स है, ठीक है, इसके अलावा एल्कोहल्स है, इसके अलावा सेल्फिश है, कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत जल्दी यूरिक एसिड स्टोन को बनाने में, फॉर्म करने में मदद करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखने चाहिए। अगर हम आपने देखा होगा कि हमारे बुज़ुर्ग कहते थे, हमारे दादा परदादा कहें कि बीज वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, कम खानी चाहिए, या फिर पालक किडनी स्टोन के मरीजों को नहीं खानी चाहिए, वो उनका रीज़न यही है कि इनके अंदर हाई ऑक्सलेट होता है। जब हाई ऑक्सलेट रहेगा तो किडनी स्टोन को ज़्यादा बनाएगा और बार बार बनाएगा। जब किडनी स्टोन बार बार बनेगी तो बहुत ज़्यादा किडनी की इन्फेक्शंस होंगे, किडनी की परेशानियाँ आएंगी पेशेंट को, और कई बार पेशेंट को सर्जरी भी कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये छोटी छोटी जानकारियाँ आप सभी तक पहुँचाने का मेरा एक छोटा सा काम है जो मैं आप सभी तक ये छोटी छोटी जानकारियाँ पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। हमारी कई सारी वीडियो चैनल पर अपलोड हैं जिसमें किस प्रकार का जूस पीने से क्या फ़ायदा होता है, लीवर के मरीजों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, लीवर में सूजन क्यों होता है, लीवर का इलाज क्या होता है, कई सारी बलगम से संबंधित बीमारियां, फेफड़ों से संबंधित बीमारियां, ऑक्सीजन की कमी, काफ़ी सारी वीडियोस चैनल पर अपलोडेड हैं जिन्हें आप आसानी से देख करके अपनी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें हमारे मेडिकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।